होगा। जैसे मैं ट्विटर में जाता हूँ, वहाँ पर आप जैसे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, चाहे जो भी हो, सर्च करने के बाद इस तरीके का एरर आ जाता है, HMM समथिंग went wrong, दे आर नॉट एनी ट्वीट्स हीयर एंड देन शुड बी डबल टैप चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। यहाँ पर इस तरीके का एरर देखने को मिला ट्विटर अकाउंट में। यहाँ पर आप जैसे कोई यूज़र नेम सर्च करेंगे या फिर हैशटैग या फिर कोई भी वीडियो सर्च करेंगे तो आपके सामने यही वाला प्रॉब्लम आ जाएगा, HMM समथिंग वेंट रॉन्ग का प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ चल रहा है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे, यही आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जब ये प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल रिस्टार्ट कर देना है और जो भी एप्लीकेशन ओपन है उन सबको क्लियर कर देना। क्लियर करने के बाद आप रिस्टार्ट कर दीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद आपको फ्लाइट मोड करके लगभग 2 या 4 सेकंड या फिर 10 सेकंड आपको फ्लाइट मोड करके रखना है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको फ्लाइट मोड ओपन करके आपको जाना है ट्विटर के अंदर। ट्विटर में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमको सर्च करना पड़ेगा, जो चीज़ें हम सर्च करते हैं वहाँ पर एरर आ जाता है। तो सर्च करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद फिर से यही आला एरर देखने को मिला। अब इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे, तो उसके लिए आपको एक सेटिंग करना पड़ेगा। सेटिंग क्या है वो मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो आपको ट्विटर को होम में ले लेना है। होम में लेने के बाद आपको चलना है अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर। आपका मोबाइल में सेटिंग कुछ अलग होगा, अगर आपका वीवो, ओप्पो, MI, बहुत सारे मोबाइल्स होते हैं, सैमसंग, इन सब के मोबाइल में, इन सब कंपनियों में सेटिंग थोड़ा अलग अलग होता है, तो आपको ढूंढ लेना है। तो आपको सेटिंग में आने के बाद आपको ऐप्स में, ऐप मैनेजमेंट, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, आपको इन सब को चूज़ करके ऐप मैनेजमेंट में आ जाना। अब यहाँ पर आपके सामने बहुत सारा एप्लीकेशन आ जाएगा। यहाँ पर आपको उस एप्लीकेशन को सर्च करना है जिसमें प्रॉब्लम है ट्विटर। तो ट्विटर सर्च कर लिए। ट्विटर सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको स्टोरेज यूज़ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको स्टोरेज यूज़ पर क्लिक करके क्लियर डाटा कर देना। क्लियर डाटा करने के बाद ओके कर दीजिए, फिर आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा।